हे गाइस, दिस इज प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर मैथ के लेक्चर्स। तो जो मेरा पिछला लेक्चर था वो एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो आज यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो परिमेय नंबर एक है उसको कैसे प्रूव करना है। यहाँ पे कह रहा है कि समान कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात समान होता है। तो चलिए यहाँ पे बिना देरी के हम शुरू करते हैं। और आप लोगों ने जैसा मैंने उम्मीद किया था वैसा आप लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया। हमें लगता है कि शायद ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखा भी नहीं, एक आध दो लोगों ने देखा भी तो उसमें कमेंट भी नहीं आया और आप लोगों ने कोई फीडबैक नहीं दिया कि वो वीडियो कैसा था, चीज़ें आपके समझ में आई कि नहीं, जो कंटेंट यहाँ से रिलीज हो रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर उसमें किसी प्रकार कोई एरर है तो उसको आप फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई फीडबैक नहीं दिया। चलिए फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, परिमेय समान कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात समान होता है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रश्नावली 8.1, शायद यही है क्योंकि मेरे पास दूसरी बुक है तो उसमें 8.1 एक ही है, आपकी बुक जो होगी उसमें देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समान कोण के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो एक समान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम न्यून कोण खींचते हैं। देखिए ये एक न्यून कोण खींचा मैंने, ये एक्स ए वाई, और ये ए जो है इसको मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो लिख लें लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। और इस ए वाई रेखा ये वाली जो है इसको बोलते हैं प्रारंभिक किरण और इसको बोलते हैं अंतिम, ठीक है, यहाँ पे अंतिम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर दो पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एक को मान लेते हैं मैंने P माना और एक को मान लिया Q, ठीक है। एक को P माना, दूसरे को Q माना, और यहाँ P से ये जो प्रारंभिक रेखा अंतिम रेखा पर मैंने दो बिंदु P माना और Q माना, उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल जिसको बोलते हैं लंब खींचा, ये हो गया बी सी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। सबसे पहले मैंने एक न्यून कोण खींचा, न्यून कोण क्या था, एक्स ए वाई, क्या था न्यून कोण, एक्स ए वाई, चाहो तो इसको लिख लो यहाँ पे, ये है न्यून कोण। और फिर अब जब न्यून कोण कोई भी कोण खींचते हैं तो उसमें एक प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक किरण होती है और एक अंतिम किरण होती है। तो ये जो ए एक्स है ये प्रारंभिक किरण है और ए वाई जो है वो अंतिम किरण है। अंतिम किरण पर मैंने दो बिंदु क्रमशः पी और क्यू लिया, पी से एक लंब ए एक्स पर गिराया ई बी और क्यू बिंदु से एक लंब गिराया ए एक्स पर क्यू सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं ना कि जो कोण एक्स ए वाई है वो बराबर है किसके, कोण सी ए, सी ए क्यू बराबर कोण बी ए पी, ये बराबर है ना, क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, है ना, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल बोलते हैं। उसके बाद फिर दूसरा आता है, यहां पे अगर हम लेते हैं कोण ए बी पी बराबर कोण ए सी क्यू बराबर ये 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, प्रत्येक समकोण है ना, समकोण इसलिए क्योंकि ये जो है यहां पे मैंने लंब खींचा है ना, तो ये समकोण हो गए, ठीक है। अब देखिए, मैंने नाइन्थ में आपको पढ़ाया था, ऑफलाइन के जो बच्चे हैं मैंने नाइन्थ में उनको पढ़ाया था कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं, मान लीजिए दो त्रिभुज दिए हुए हैं और उनके दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण आपस में क्या होगा, वो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः ए ए समरूपता के अवगृहित से त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए सी क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे समरूपता का नियम लगाएंगे। समरूपता का नियम क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। इसका विपरीत अगर हम कहें कि यदि दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके संगत कोण कैसे हैं, बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कोण ए बी पी और समरूप है किसके, कोण ए सी, देखिए ये वाला कोण इस बड़े वाले, सॉरी ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब समरूप है तो भुजा ए पी का भुजा ए क्यू का अनुपात, क्योंकि देखिए इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है, बराबर भुजा ए बी का भुजा ए सी के साथ अनुपात, फिर बराबर भुजा पी बी का भुजा क्यू सी के साथ अनुपात होगा ना, बराबर, यहाँ पे ये बराबर हो गया। तो ये वाला अगर हम लेते हैं यहाँ पे, इसलिए ए पी बटे में ए क्यू बराबर पी बी बटे में क्यू सी, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं
पीबी बटे में एपी बराबर क्यूसी बटे में एक्यू, ये हमको यहाँ पे एक मिला। ठीक, अब हम लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी में, ये कैसा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है, जैसा कि दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में हम लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। जिसने कल का वीडियो ना देखा हो, वीडियो को यहीं पे पॉज करें और प्लेलिस्ट में जाए, इसके पहले वाला वीडियो देखे। तो लंब बटे कर्ण, अब देखिए यहाँ पे लंब क्या है, लंब है पी बी बटे में, कर्ण क्या है, कर्ण है ए पी। तो साइन थीटा बराबर पी बी बटे में ए पी, लेकिन देखिए पी बी बटे में ए पी बराबर क्या है, क्यू सी बटे में ए क्यू। तो था ना ये आसान प्रूव करना कि अगर इस तरह का कुछ आता है तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं ना। इसी प्रकार जो त्रिकोणमितीय अनुपात और हैं उनको भी हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए। आप लोग इसको जो है इतना सीखिए, उसके बाद और जो और त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको खुद से प्रूव करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर ज़्यादा कमेंट्स उसके लिए आते हैं कि हाँ ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, और जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आप करके जो है दिखाइए, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसमें एक और बचा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी हम एट्थ से उसको पढ़ते आए हुए हैं। पाइथागोरस का प्रमेय, ये जो होता है समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है, या फिर कह सकते हैं समकोण त्रिभुज के लिए अप्लीकेबल होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, जल्दी इसमें कमेंट करके बताओ। मैंने थीटा इसको मान लिया, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें लंब कौन सा, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। ये है 90 डिग्री, मैंने बताया था 90 डिग्री कोण के सम्मुख जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, ये कर्ण हो गया, और इसको लंब, और ये आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण के ऐसे लिखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए समकोण के सम्मुख भुजा क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को मैंने एसी लिखा तो एसी का स्क्वायर, ये हो गया एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ये हो गया, यही हमारा क्या है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अभी तक जो मैंने जितना जो है इंट्रोडक्शन दिया, उस इंट्रोडक्शन पे बेस ये पहला क्वेश्चन हमको मिला है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए का मान बताओ और कॉस ए का मान बताओ। सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ए देते हैं, इसको सी, और क्या कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर बीसी और कोण भी बराबर 90 डिग्री। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे होगा एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एसी का स्क्वायर बराबर, देखिए एबी, एबी किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे एबी बीसी के बराबर है, तो हम लिख देंगे बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एसी स्क्वायर बराबर 2bc स्क्वायर, दिख रहा है ना। या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि ac बराबर अंडर रूट 2bc का स्क्वायर, या फिर ac बराबर रूट 2bc, हमका इसका मान मिल गया ना, ac बराबर रूट 2bc, ठीक। अब हम सबसे पहले साइन a का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर हम साइन a निकालेंगे तो साइन a बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो ये साइन a हुआ। लंब का मान देखिए क्या है, लंब है हमारा BC और कर्ण क्या निकल गया AC, ठीक है। ये साइन A हुआ, इधर BC, AC का मान यहाँ आया है रूट टू BC, BC से BC कैंसिल आउट हुआ और साइन A बराबर वन अपॉन रूट टू हुआ। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर बोर्ड को खाली करें, इसके बाद फिर cos A का मान निकालें। अब देखिए cos A दिया हुआ है, यहाँ पे निकाल देते हैं हम, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार हमारा क्या दे रखा है, ए बी दिया है और कर्ण जो है वो ए सी। अच्छा यहाँ पे दे रखा है ए बी बराबर बी सी, तो ऊपर हम यहाँ पे बी सी रख सकते हैं ना, बी सी और ये ए सी, बी सी का मान देखिए कहाँ गया, मैंने ए बी की जगह बी सी रखा, ये बी सी हो गया और नीचे ए सी का मान आया है रूट टू बी सी, ये देखिए ए सी का मान रूट टू बी सी से बी सी कैंसिल हो गया और यहाँ पे कॉस ए बराबर आ गया वन अपॉन रूट टू। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे साइन ए और कॉस ए दोनों का जो अनुपात आया वो एक समान आया, साइन ए और कॉस ए की जो वैल्यू आई है वो एक समान आई है। और जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कैसा लगा, फिर हम आगे चलते हैं। आपका ये अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो tan A और sec A का मान बताओ। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं एक त्रिभुज, ये बना त्रिभुज जिसमें कह रहा है कोण B जो है ये समकोण है, तो इसको B नाम देते हैं, इसको A और इसको C, ठीक है। तो कोण B लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ए बी है ये 6 सेंटीमीटर है, जो बी सी है वो 10 सेंटीमीटर, सबसे पहले इस भुजा को निकालेंगे। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी भुजा निकालना है तो हम उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसको तुरंत कमेंट करके आप पूछ लीजिए कि कौन सा डाउट है और क्या समस्या आपको जो समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, देन ए सी का स्क्वायर बराबर, देखिए ए बी का मान 6 सेंटीमीटर तो 6 का स्क्वायर प्लस बी सी है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर 6×36 प्लस 10×100, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 136 सेंटीमीटर, ठीक है। देन ए सी बराबर रूट 136, यहाँ पे थोड़ा सा एक, ये बी सी नहीं ये ए सी है, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर होगा तो हमको मान किसका निकालना है, ये जो होगा ये 10 सेंटीमीटर पर बी सी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे BC लिख लेते हैं, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इधर हो गया ये आपका
दस दस और ये जाएगा 10 का स्क्वायर 36 प्लस बी सी का स्क्वायर इधर हो जाएगा 100। तो बी सी का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 बराबर 64, देन बी सी बराबर अंडर रूट 64 और बी सी बराबर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे जो बी सी का मान है ये 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे टैन ए। तो टैन ए निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जब टैन ए निकालेंगे तो मैंने बताया था टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। टैन ए बराबर लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा टैन ए, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी है, ये हो गया बी सी, और आधार क्या है ये ए बी है। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 8 आया है और ए बी का मान है 6। फिर यहाँ पे टैन ए बराबर 2 चौक 8 2 3 6 ये आ गया 4/3। अब समझ में आ रहा होगा ना आपको, समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करिए कि चीज़ें आपको आसान होती नज़र आ रही हैं। चलिए यहाँ पे अब हम सेक ए निकालते हैं इधर यहाँ किनारे पे। यहाँ पे अगर हम सेक ए निकालेंगे तो देखिए सेक ए जो होता है ये कॉस ए का वो अपोजिट होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है। तो एक तो तरीका ये है, अगर जिसको सेक ए का अनुपात नहीं पता है तो कॉस ए के टर्म में निकाल के सॉल्व कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सीधे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो सेक ए बराबर यहाँ पे कर्ण जो है ए सी है और आधार जो है वो ए बी है, और जो ए सी है वो 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर सेक ए। तो यहाँ पे सेक ए बराबर 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 आ जाएगा आपका 5/3। ये हो गया आपका राइट आंसर, इसको जल्दी से नोट करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि टैन ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी सी। इसमें दिया है यदि टैन ए बराबर 4/3 तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन ए कॉस ए। देखिए टैन तो दिया ही है, फिर यहाँ पे कॉट ए सेक ए कॉस ए के। ठीक है, तो देखिए हमने पहले से पढ़ रखा है कि टैन ए बराबर होता है लंब बटे में आधार। अगर इससे तुलना करेंगे तो जो लंब आएगा, देखिए इससे तुलना करेंगे तो लंब आएगा 4 सेंटीमीटर और जो आधार आएगा वो आएगा 3 सेंटीमीटर। लंब आया हमारा 4 सेंटीमीटर, आधार आया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए बी है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 × 9 प्लस 4 × 16 बराबर 25 आया यहाँ पे ए सी का स्क्वायर। देन ए सी बराबर अंडर रूट 25, देन ए सी बराबर आ गया 5। ठीक, अब देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। यहाँ पे लंब क्या होगा, मैंने ये वाला कोण लिया साइन, तो इसके सम्मुख भुजा लंब होगी, तो ये हो जाएगा बी सी। कर्ण क्या होगा ए सी, ये समकोण त्रिभुज ये रहा ना, समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। तो बी सी है कितना 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4/5। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार देखिए यहाँ पे क्या है, आधार है ए बी, कर्ण है ए सी, ए बी का मान 3 सेंटीमीटर, ए बी ए सी का मान 5 सेंटीमीटर। कॉट ए बराबर जो कॉट होता है वो टैन का जस्ट अपोजिट होता है, तो देखिए टैन 4/3 है तो कॉट हो जाएगा 3/4। सेक ए जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन दे रखा है 4/5 तो ये हो जाएगा 5/4। है ना चीज़ें कितनी आसान, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज़ें एकदम आसान होती चली जाएंगी और आपको बोर्ड में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है।
बस खाली आपको ध्यान देना है और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है। दुनियादारी की चीज़ों को साइड में रख के अपना पूरा फोकस किस पे रखना है, पढ़ाई पर। और हाँ, टाइम टाइम पे थोड़ा इन्जॉय भी करते रहना है, नहीं तो बोर हो जाएंगे आप। चलिए भाई, यहाँ पे ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे आप इसको जो है स्टार जितने ज़्यादा लगा पाओ लगा लो, इसको 5 स्टार लगा लो, क्योंकि पूरे पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ करना कुछ नहीं, दो अलग अलग त्रिभुज दिए हैं उनको समरूप सिद्ध कर देना। अगर समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे हम बनाते हैं एक त्रिभुज छोटा सा, जिसका नाम हम देते हैं ए बी सी, और एक एक त्रिभुज बगल में और बनाते हैं जिसका नाम देते हैं पी क्यू और आर। यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ध्यान देना, जो क्यू है ये इस वाले के लिए है और बी इसके लिए। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ए सी है। कर्ण क्या दे रखा है? कर्ण ए बी है, समीकरण एक। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू बराबर पी आर बटे में पी क्यू, समीकरण नंबर दो हो गया। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि साइन बी बराबर साइन क्यू ये प्रश्न में दिया है। अच्छा, जब दिया है तो साइन बी बराबर कितना दे रखा है? ए सी बटे में ए बी, और इधर क्या है? पी आर बटे में पी क्यू। ये क्या निकल गया? इनका अनुपात बराबर है। मान लेते हैं ये अनुपात के है, जहाँ के एक वास्तविक धन पूर्णांक है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, यही लगाएंगे। दूसरा वाला एक और तरीका है, लेकिन उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैंने मान लिया k, तो जब k मान लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी बराबर, एक बार अगर मैं खाली इसको और इसको साथ में लूँ तो ए सी बटे में ए बी बराबर k हो जाएगा। देन ए सी बराबर k इंटू ए बी। ये त्रिभुज किस में हो रहा है? ये त्रिभुज ए बी सी में हो रहा है। इसी प्रकार दोनों समीकरण साथ साथ लेके चल रहे हैं। इसी प्रकार पी आर बराबर के इंटू पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल के आया? यहाँ पे निकला कि ए सी के बराबर क्या आया, इस वाली भुजा के, ए सी के बराबर के इंटू ए बी आ गया। यहाँ पे पी आर के बराबर क्या आया? के इंटू पी क्यू आ गया। ठीक है, अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ तक दिखाई देगा ना, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से। तो जब पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होंगे ना, देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, यही तो कर्ण है, इसमें ये कर्ण है और इसमें ये कर्ण है। तो ए बी का स्क्वायर, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ए सी का मान क्या आया? के ए बी स्क्वायर आया है। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ दिखाई देगा ना, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ए सी का मान है के ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक,
इधर इतनी जगह बची है, यहाँ आएगा नहीं। चलिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं, अभी अगला आगे इधर कर लेंगे, इसको यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर रोक लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर वन माइनस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, देन बी सी बराबर अंडर रूट वन माइनस के स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बराबर वन माइनस के स्क्वायर और ये ए बी आ जाएगा, बी सी के बराबर इतना निकल गया। यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेते हैं कि बी सी जो होगा बी सी बराबर वन माइनस के स्क्वायर ए बी, ये एक बन गया यहाँ पे समीकरण, इसको तीन बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये एक मिला था ना, यहाँ पे पी आर बराबर क्या आया है, पी आर बराबर आया है के पी का के इंटू पी, तो यहाँ पे हो जाएगा के इंटू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगेन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर को उधर रोक लेते हैं, तो क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी क्यू इसमें, पी क्यू इसमें, तो पी क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, वन माइनस के स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्यू आर बराबर वन माइनस के स्क्वायर इंटू पी क्यू, ये है ना इतना यहाँ पे। चलिए तो ये समीकरण तीन, इसको बनाते हैं समीकरण चार, दिख रहा है ना इतना, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा इधर का इतना पोर्शन, बाकी इसमें कहीं जगह बची नहीं हुई है, तो इधर का इतना पोर्शन हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए समीकरण तीन और चार से, समीकरण तीन और चार से यहाँ पे तीन और चार लेंगे, तो देखिए तीन ये रहा बी सी, तीन और चार से, या फिर तीन और चार तीन में ऐसे लिख लो, तीन में चार से भाग देने पर, तो बी सी बटे में इधर क्या है, ये क्यू आर है, बी सी बटे में क्यू आर, इधर क्या है वन माइनस के स्क्वायर इंटू ए बी, और इधर भी है वन माइनस के स्क्वायर इंटू पी क्यू, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, आ गया बी सी अपॉन में क्यू आर, यहाँ पे आया ई बी ए बी, ई बी नहीं ए बी, और यहाँ पे आया पी क्यू, यहाँ पे एक ये मिला, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ये मिला था ए सी बटे में ए बी और पी आर बटे में पी क्यू, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पे एक मिला बी सी बटे में क्यू आर, क्या आया है बी सी बटे में क्यू आर, यहाँ पे इसको सीधा करेंगे तो आएगा ए बी बटे में पी क्यू, और ए सी बटे में पी आर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर है, इसके बराबर ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए सी बटे में पी आर। तो देखिए इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात जब बराबर आ गया, जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया, तो यहाँ पे हमने एक आधारभूत प्रमेय पढ़ा था त्रिभुज में समरूपता का। समरूपता की प्रमेय क्या कहती थी कि अगर कोई त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उसका विपरीत क्या होगा, उसका विपरीत हो जाएगा कि यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस प्रकार, इधर का इरेज कर दे रहे हैं,
इस प्रकार समरूपता के आधारभूत प्रमेय के विलोम से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, और जब समरूप हैं तो इसलिए कोण बी बराबर कोण पी कोण क्यू कोण बी बराबर कोण क्यू ये बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में ना आया होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं इसको एक बार फिर से समझा दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए और कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया, और किसी प्रकार की कोई एरर हो तो उसको आप लोग कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।